नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल, निकाला मोर्चा। पातुर पंचायत समिति का रिश्वत खोर सिपाही गिरफ्तार। जिला परिषद कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल। आतंक मचाने वाला तेंदुआ पिंजरे में होगा कैद। तेल्लारा तहसील के अरसुल में वर्ली अड्डे पर पुलिस का छापा। राजस्व कर्मचारी संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर तीन दिन की हड़ताल की जा रही है। अशोक वाटिका से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकालकर कर्मचारी संगठन द्वारा निवेदन दिया गया। सातवां वेतन आयोग लागू करे, अग्रिम राशि गणेशोत्सव से पहले अदा करे, अंशदान पेंशन योजना रद्द करे, ऐसे विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार से लेकर अगले तीन दिन तक हड़ताल शुरू की है। मंगलवार को आंदोलन की पहली कड़ी में कर्मचारियों ने अशोक वाटिका से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने पर यहां संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी एवं मांगों की ओर सरकार तुरंत निर्णय ले ऐसी मांग की। इस पश्चात जिलाधिकारी द्वारा सरकार को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंप दिया। तथापि इस हड़ताल के कारण अब तीन दिन तक सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित होगा, वहीं आम जनता को भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को हड़ताल के पहले ही दिन आम जनता के काम न हो पाने से उन्हें कार्यालय से खाली हाथ लौटना पड़ा। कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या निर्णयानुसार शासनास वारंवार नोटीस देऊन आणि चर्चा करून सुद्धा यापूर्वी सुद्धा संपाची नोटीस देऊन सुद्धा सरकारकडनं कुठलाही सकारात्मक भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घेतलेली नाही। सातवा वेतन आयोग लागू करा, मागील थकबाकी द्या, महिलांचे प्रश्न आणि अंशदायी पेन्शन योजना हे बंद करावे अशा विविध मागण्यांसाठी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे। तथापि हे निद्रावस्थेत असलेले सरकार झोपीचं सोंग येऊन या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे। ती तेव्हा तशी नव्हती, त्यामुळे या मागील संप आम्ही स्थगित केला होता, परंतु यावेळेला सुद्धा आम्ही संपाची नोटीस दिल्यानंतर सुद्धा शासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये एक असंतोषाची लाट पसरली आहे। संपामध्ये एकूण किती कर्मचारी? आमच्या संपामध्ये राज्य सेवेतील सर्व पूर्ण महाराष्ट्रातील 19,000 कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शासनाच्या विविध कर्मचारी संघटना तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा यामध्ये सहभाग। पातूर पंचायत समिति में कार्यरत शिपाई को 3,000 रुपयों की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। रोजगार हमी योजना के तहत बिल निकालने के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। पातूर पंचायत समिति के सिपाही को 3,000 की रिश्वत लेते एसीबी के पथक ने गिरफ्तार किया। मंगलवार सुबह यह कार्रवाई की गई। सरकारी कर्मचारी आज से तीन दिन की हड़ताल पर है। पातूर पंचायत समिति कार्यालय के सामने कर्मचारी धरना दे रहे थे। इसी बीच पातूर पंचायत समिति में कार्यरत सिपाही वामनराव गाड़गे मोबाइल लेकर कार्यालय के परिसर में एक कोने में गया, जहां पर उसे फिरियादी से 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। अकोला एसीबी के पथक ने उसे पकड़कर आगे की जांच के लिए अकोला लाया। तथापि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पातूर तहसील के ग्राम नांदखेड़ के रहने वाले एक लाभार्थी को कुआं खोदने के काम का बिल अदा करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी।
ऐसी शिकायत उस लाभार्थी ने एसीबी से की थी, जिसके आधार पर एसीबी ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई से पंचायत समिति के महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले के तार अधिकारियों तक होने की चर्चा जनमानस में हो रही है। अगर एसीबी इस मामले की गहनता से जांच करे तो यह संभव है, ऐसी चर्चा हो रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा एक दिन की हड़ताल की गई, जिसके कारण जिला परिषद कार्यालय में सभी टेबल खाली नजर आ रहे थे। विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कर्मचारियों ने मंगलवार को एक दिन का हड़ताल किया। काम बंद होने के कारण जिला परिषद कार्यालय में सभी टेबल खाली नजर आ रहे थे। कार्यालय में विभिन्न कामों को लेकर आए शहर तथा ग्रामीण अचल से लोगों के काम आज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते उनको मानसिक तथा आर्थिक त्रासदी को झेलना पड़ा। दूसरी ओर कर्मचारियों ने जिला परिषद कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर अपने मांगे नोट झोट से रखी। बुलंद आवाज में कर्मचारियों ने घोषणाबाजी भी की। उस पश्चात जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को मांगों का ज्ञापन सौंप दिया। इस एक दिवसीय हड़ताल में जिला परिषद की विभिन्न संगठना के कर्मचारी शामिल हुए। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी जिल्हा परिषद युनियन, लाजन संघटना, एका कर्मचारी संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना आणि विविध 13 संघटनांचा आज एक दिवसाचा लाक्षणिक संप या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे। या संघटनेमध्ये प्रामुख्यानं 14 वेतन आयोगात 5 वेतन आयोगात ज्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय झालेला आहे तो अन्यायाच्या दुरुस्त करून आम्हाला 9-7 वेतन आयोगामध्ये त्याचा समावेश करावा आणि आमच्या ज्या मागण्या आहेत, पूर्वी पेन्शन योजना आहे, वाहन भत्ता आहे, अतिकालीन भत्ता आहे, त्याचप्रमाणे अनुकंपासारखा एक महत्त्वाचा विषय आहे ज्याला जवळपास शासनानं बगल दिल्यासारखंच आहे, त्याचप्रमाणे आमचे जे थकीत बाकी आहे ती सुद्धा अजून आम्हाला मिळालेली नाही आहे आणि ही थकीत बाकी मिळावी आणि अनुकंपा तत्वाचा लाभ मिळावा, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या आमच्या ज्या प्रलंबित मागण्या त्या ताबडतोब पूर्ण करावा आणि 7वा वेतन आयोग हा तृतीयपूर्ततेसह बालापुर तहसील के ग्राम मनारखेड़ पारस में तेंदुए का मुक्त संचार होने से परिसर की जनता में भय व्याप्त हुआ है। इस तेंदुए को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर वन विभाग द्वारा पकड़ा जाएगा। बालापुर तहसील के ग्राम मनारखेड़ पारस के खेत खलिहान में तेंदुए का मुक्त संचार होने से इस परिसर की जनता में खौफ है। कई दिनों से तेंदुए द्वारा पालतू जानवरों की शिकार होने की खबरें आ रही थी। खेतों में कई बार किसानों को तेंदुआ नजर भी आया। इस बारे में वन विभाग को जानकारी भी दी गई थी। परिसर में मची खलबली को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए के नजर आ रहे इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए थे। आखिरकार इस कैमरे में तेंदुआ कैद हो गया। 29 जुलाई को तकरीबन 6 बजे के समय पर तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग ने तेंदुआ होने की पुष्टि करने के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद करने का निर्णय लिया। मंगलवार को पिंजरा तथा वाहन व सामग्री को लेकर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। इस टीम के डीएफओ सुधीर वल्वी के मार्गदर्शन में आरएफओ राजेंद्र कातखेड़े, वनपाल प्रकाश गीते, वन रक्षक राजेश बिरकट, प्रवीण सरप, गजानन म्हातार माटे, सुभाष काटे, अनिल चौधरी आदि शामिल हुए। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी वन विभाग ने दी। तेल्लारा तहसील के अरसुल में चल रहे वर्ली मटके पर जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते ने छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अरसुल में अलग अलग 2 जगह यह कार्रवाई की गई। तेल्लारा तहसील के अरसुल में अवैध धंधे बड़े प्रमाण में चल रहे हैं। इस प्रकार की गुप्त जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते को मिली। इस गुप्त जानकारी के आधार पर विशेष पथक द्वारा अरसुल निवासी दशरथ खंडारे के घर के पास छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वर्ली मटका जुगाड़ खेल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जगदीश वानखड़े, उमेश महादेव मोहड़, प्रवीण अरबर अड़मूल, नाजुकराव बिल्लेवार, विठल देवराव अमझरे, गजानन सरोदे का समावेश है। इन आरोपियों से नकदी 810 रुपए तथा 5000 रुपए मूल्य के 5 मोबाइल इस प्रकार
5,810 रुपयों का माल बरामद किया गया। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई अरसुल के जिला बैंक के पास की गई। इस कार्रवाई में विवेकानंद नवलकार विनोद ताइड़े को गिरफ्तार कर 1,350 रुपये नकदी तथा 2 मोबाइल जब्त किए गए। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ता प्रमुख हर्षवर्धन अलसपुरे के मार्गदर्शन में की गई। पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने सर्वोपचार अस्पताल का औचक दौरा किया। इस अवसर पर मरीजों से चर्चा करने के बाद पालक मंत्री ने जीएमसी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलने के लिए जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल बार बार जिला सर्वोपचार अस्पताल में भेंट देते हुए मरीज व अस्पताल प्रशासन से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए उन्होंने सोमवार को सर्वोपचार अस्पताल में अचानक भेंट दी। इस अवसर पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए है। शासकीय अस्पताल में उपचार लेने वाले गरीब तबकों के नागरिकों को उपचार के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए इस पूर्व भी पालक मंत्री डॉक्टर पाटिल ने अनेक बार जीएमसी को भेंट दी है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से संवाद साधते हुए उनकी मांगों पर समाधान खोजने का प्रयास किया है, परंतु इन दिनों औषधियों की सबसे बड़ी समस्या के बीच पालक मंत्री ने 6 अगस्त को सर्वोपचार पहुंचते हुए उन्होंने नेत्र चिकित्सा विभाग, बाल रोग चिकित्सा विभाग, चमड़ी रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग विभाग, दंत रोग विभाग, बाह्य रोग विभाग, मुख रोग एवं कैंसर उपचार केंद्र, नाक कान व घसा आदि विभागों का मुआयना किया। जठारपेट स्थित लड्डा अस्पताल में खिड़की में रखे कूलर को अचानक आग लगने से खलबली मच गई। यह आग अस्पताल व्यवस्थापन द्वारा बुझाई गई। अकोला में जठारपेट परिसर स्थित एक अस्पताल के खिड़की में लगे कूलर में अचानक आग लगने से खलबली मच गई। कूलर इस कदर धू धू कर जला कि नागरिक भी हतप्रभ रह गए। समय पर आग बुझाने के कारण बड़ा हादसा टल गया। जठारपेट परिसर स्थित लड्डा अस्पताल के एक कक्ष के बाहर कमरा ठंडा करने के लिए कूलर लगाया गया था। आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण कूलर से चिंगारी निकली तथा कूलर की घासों में खलबली मच गई। अस्पताल व्यवस्थापन ने तत्काल पानी डालकर आग को नियंत्रित किया, जिससे किसी तरह की बड़ी हानि नहीं हुई। फर्जी छात्र संख्या बताकर शासकीय लाभ लेने का मामला सामने आया है, जिसके चलते शिक्षण विभाग के संचालक द्वारा पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सन 2011 में गलत छात्र संख्या बताकर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाली 22 शालाओं पर तत्काल अपराध दर्ज करने के आदेश शालेय शिक्षा विभाग के संचालक सुनील चौहान द्वारा दिए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने इन शाला के संस्थाध्यक्ष व मुख्याध्यापकों के खिलाफ पुलिस में अपराध दर्ज कराने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार खदान पुलिस थाने में 2 शालाओं के संस्थाध्यक्ष व मुख्याध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि डाबकी रोड पुलिस थाने में 1 शाला के संस्थाध्यक्ष व मुख्याध्यापक के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी है। हिंदी भाषिकों के श्रावण सोमवार को श्री राजराजेश्वर महाराज को महाकाल के रूप में सजाया गया। यह आकर्षक झांकी देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। हिंदी भाषिकों का सावन का महीना चल रहा है। सावन के इस महीने में देवाधिदेव महादेव की आराधना की जाती है। अकोला शहर का आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर महाराज मंदिर में पूरे सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। विशेषकर श्रावण सोमवार को महिला श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक पाई जाती है। सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के इस माह में हर सोमवार को श्री राजराजेश्वर महाराज को अलग अलग स्वरूपों से सजाया जाता है। हिंदी भाषिकों के दूसरे श्रावण सोमवार को श्री राजराजेश्वर महाराज को महाकाल का रूप देकर सजाया गया। राजराजेश्वर महाराज का महाकाल का यह रूप देखने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं ने भीड़ की थी। जिलाधिकारी कार्यालय पर पुलिस द्वारा किए गए मारहाण के खिलाफ बहुजन समाज संगठन द्वारा धरना दिया गया। पुलिस कार्रवाई का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। गाली गलौज तथा अमानुष मारहाण करने वाले पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया।
बहुजन समाज संगठन द्वारा दिए इस धरना आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। चौकसी के नाम पर कार्यालय में बुलाकर आरोपी को पीटने का आरोप आंदोलनकर्ताओं ने लगाया। संगठन के अध्यक्ष गौतम कंकाल ने बताया कि 31 जुलाई को एलसीबी में उन्हें बुलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक तथा एलसीबी थानेदार ने बुलाने की बात कही गई। यहां पहुंचने पर एसपी साहेब तथा थानेदार मौजूद थे। उन्होंने अपराध दाखिल और तड़ीपार के संदर्भ में पूछा। उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक तथा थानेदार के निर्देश से 8 कर्मियों ने धुलाई की। थोड़ी देर बाद वहां से बाहर निकाला गया। इस प्रकार का घटनाक्रम जिलाधिकारी को दिए गए निवेदन में दिया गया है। एलसीबी थानेदार तथा जिला पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग इस निवेदन द्वारा की गई है। इस आंदोलन में गौतम कंकाल समेत संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ते रूपेशवान खड़े, प्रवीण मोरे, राहुल कांबले, विधान सोनुने, विद्याताई आराक, संगीता कंकाल, पूजा मोरे, मंगला वाघमारे, बबीता मोरे, सागर आराक, मारुति मनवर, प्रशांत कांबले, नागेश अंजनकार आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। दिनांक 31/7/2018 सिव्हिल एंड पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आले व त्यांनी फोन केला तेव्हा तुम्हाला साहेबांनी बोलवलं। आम्ही तिथे गेलो असता त्यांनी आम्हाला सिव्हिल लाईनमधून बऱ्याचशा लोकांना तिथं एलसीबी ऑफिस कार्यालयामध्ये नेलं। एलसीबी ऑफिस कार्यालयामध्ये नेत असताना तिथे आमच्या अगोदरच कमीत कमी 100 ते 150 लोक तिथं बसलेले होते। एस पी साहेबांनी नाव विचारलं की तुम्ही काय करता। सर म्हणलं मी माझ्यावर जे केसेस होते ते विद्यमान कोर्टाने न्यायालयाने मला सोडून दिलेलं आहे आणि आता माझ्यावर काही केसेस नाही आहे। साहेबांनी बस तेवढंच विचारलं आणि एस पी साहेब म्हणत नागराज साहेबांनी साहेब म्हटलं माझी काही चूक नाही आहे, काही नाही आहे, काय मारताय तुम्ही। आणि कपडे काढून शनांनी साहेबांनी एवढं मारा लावलं की माझ्या तोंडामध्ये अक्षरशः त्यांनी घाण कपडे, गलिच्छ कपडे उचलून शनांनी तोंडामध्ये घातले, एवढं बाजीरावाने मारलं। तिथलं त्यांनी अमानुष मारहाण केलेली आहे। हे घटनेला धरून नाही आहे, हे शासनाला धरून नाही आहे। काय मागणी आहे आपली? माझी मागणी एवढी आहे की एस पी साहेबावर आणि नागरे साहेबावर आणि एल पी सीचे कर्मचारी जो आहे त्यांच्यावर हा गुन्हा दाखल व्हावं आणि यापुढं कुठलाही बेगुन्हा लोकांना त्यांनी असं त्रास नाही द्यावं, शासनाने याची दखल घ्यावं। कारण आम माणूस, सामान्य माणूस यांचं काही नाही करू शकत। कारण एवढे मोठे अधिकारी आहेत की आमच्यासारख्या लोकांना कुठं नेऊन मारतील याचा काही अंदाजही सुद्धा लागू शकत नाही। डाबकी रोड पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले समता नगर में एक बोलेरो गाड़ी बेवार स्थिति में खड़ी थी। इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। डाबकी रोड पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले समता नगर में पिछले कई दिनों से एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी बेवार स्थिति में खड़ी थी। यह गाड़ी किसने यहां पर खड़ी की, बेवार स्थिति में कौन यहां पर गाड़ी छोड़ गया, इस संदर्भ में अलग अलग चर्चा परिसर में की जा रही थी। डाबकी रोड पुलिस को इस गाड़ी के संदर्भ में नागरिकों ने सूचना देते ही पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर बोलेरो गाड़ी जब्त की। इस गाड़ी को फिलहाल डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में लाया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल, निकाला मोर्चा। पातूर पंचायत समिति का रिश्वत खोर सिपाही गिरफ्तार। जिला परिषद कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल। आतंक मचाने वाला तेंदुआ पिंजरे में होगा कैद। तेलारा तहसील के अरसुल में वर्ली अड्डे पर पुलिस का छापा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।